हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हड़प्पा के टॉपिक को अब हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या तो इस लेक्चर में या फिर इसके दो पार्ट्स बन सकते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ख़त्म करने में। हमने केवीटी कॉम्प्लेक्स लास्ट पढ़ा था। मुझे पहले सब लोग ये बता दो, आप लोग किसी को इसमें कुछ डाउट लगा, कल थोड़ा सा रीड करा होगा आपने, रिवाइज करा होगा, तो ये समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, संगम लिटरेचर ये वाली बात कर रहा है, तो बस उस हिसाब से बस हमें देखना है। बता दो कुछ दिक्कत लगी हो तो मैं फिर से समझाऊं, या मैं आगे बढ़ूं आगे फिर मैं। अब ये टॉपिक अलग से मेंस का पार्ट है, हिडन ट्रेजर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सभी चीजें भाई साहब जो एक्सकेवेट होकर निकली है वो हिडन ट्रेजर ही हैं, लेकिन हिडन ट्रेजर के ऊपर अगर कोई आए टॉपिक तो यार ये स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर भी नहीं दे रखा होता, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैंने जैसा कि बताया था, तमिलनाडु एनसीईआरटी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई है, कलरफुल इमेजेस हैं, एचडी में इमेजेस होती हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। हर चीज़ जो बोल रहा है वो उसका प्रूफ देता है, हर चीज़ वो बोल रहा है पिक्चर में दिखाता है, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में। आप ज्योग्राफी की जब 9th क्लास में मेरे साथ आओगे ना, आप मम्मी बनाने का प्रोसेस देखना कि कैसे अंतड़ियाँ निकाल निकाल कर जो लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी का चूरा जो होता है वो भरा जाता है हमारे किडनी के साइड से कट मारकर। वो तो ये प्रोसेस, मम्मी बनाने का प्रोसेस मैंने इजिप्ट में नहीं सीखा, 9th क्लास की तमिलनाडु में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर है मैंने वहाँ सीखा है। जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होती है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हार्ड सरफेस पे, ये हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि हड़प्पा के टाइम पे कौन कौन से कस्टम्स प्रैक्टिसेस और दूसरे एस्पेक्ट, या किसी भी इंस्क्रिप्शन मतलब किसी भी टाइम पर हो, वो हमें ये चीज़ बता देती है। और इंस्क्रिप्शन की एक अच्छी बात होती है, आराम से मिटती नहीं है वो, क्योंकि हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। अब इंडस स्क्रिप्ट जो है ना हमारे पास, जो इंस्क्रिप्शन पे भी लिखी गई है, जैसे बड़ी सारी सील्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, बड़ी सारी बीड्स हैं उस पर कुछ कुछ मार्क्स हैं वो डिस्ट्रॉय अभी तक नहीं हुई हैं। एक जैसे मैं बताऊँ आपको, वो याद है धौलावीरा का साइन बोर्ड, मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था और गूगल से भी जाकर दिखाया था, वो लकड़ी के अंदर गड़ा हुआ है, अब वो डिस्ट्रॉय का हुआ है, साफ साफ तो उसके लेटर्स दिख रहे हैं। दिक्कत है यहाँ पर डिसाइफरमेंट की, ठीक है। तो अब होता क्या है, हिडन ट्रेजर्स का टॉपिक का ये आया क्यों यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि भैया सामने मेरे एक संदूक पड़ा हुआ है लेकिन मुझे उसको खोलना नहीं आ पा रहा है, वो जेवरात पड़े हुए हैं लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मुझे हड़प्पा को समझना है तो मुझे अदर क्लूज की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि मैं हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस के लोगों को और उनकी लाइफस्टाइल को समझ सकूं। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हिडन ट्रेजर्स क्या है। नंबर वन, एप्रल। एप्रल का मतलब होता है गारमेंट्स, यानी कि कपड़े। कॉटन फैब्रिक यहाँ पर कॉमन यूज में था हड़प्पा में। ये लोग क्ले स्पिंडल्स, अब क्ले स्पिंडल्स तमिलनाडु बोलता है, हम लोग इसको एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, स्पिंडल बॉल्स, याद है वो कॉटन को डाल दो और वो लट्टू की तरह घुमा घुमा के वहां से धागा निकलता है, दिखाया था ना मैंने, ये वो है। ये चीज हमें ये सजेस्ट करता है कि यान जो है वो बुनी जाती थी, स्पन का मतलब बुनाई होती है इसकी, और वूल भी यूज होता था। तो देखो दो चीज आपको मिल गई कि वो लोग कपड़े किस किस प्रकार के पहनते थे, गर्मियों में ये, सर्दियों में ये। क्या ये यूज में था? जी हाँ, बहुत प्रोमिनेंट था, सबसे ज्यादा यही पहन जाते थे, ठीक है। यान कुछ नहीं होता, यान मतलब कुल मिलाकर एक कॉटन जो मतलब बुनाई जा रही है कपड़े वगैरह बनाने के लिए, जिसकी जैसे ऐसा समझ लो इसको, ऐसा समझ लो, अगर थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो रही है इसको डिकोड करने में, ऐसा समझ लो। सर्दियों में क्या देखा आपने, इस प्रकार का ये जो फ्री बुजुर्ग जो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो ऊन का गुला लेकर धूप में बैठ जाते हैं पार्क में जाके या छत पे जाकर, और घूमते फिरते हम जैसे जवान लड़कों को बुलाते हैं, बेटा जरा ना, जरा नाप देना जरा अपना, और ये स्वेटर भगवान कसम इतना चुभता है, मन करता है जिसने स्वेटर बनाया उसके मुंह पे पिलो रख के बैठ जाओ। बचपन में ऐसे बहुत भुगता हूँ मैं। दूसरा मेरा फेवरेट टॉपिक, हड़प्पन सोसाइटी वॉज अ सोसाइटी ऑफ लव एंड पीस। सेटलमेंट जो यहाँ पर करी गई, देवर बिल्ड ऑन अ जाइंट प्लेटफॉर्म और एलिवेटेड ग्राउंड्स। अब यहाँ पर इसको ये इस बात से डीकोड मत कर देना, एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ। ये गलती टेस्ट सीरीज में बड़े सारे लोगों की मैंने देखी हुई है, जो मुझसे पढ़ते हैं वो इस लाइन को ये सोचकर लिखाते हैं कि यहाँ पर शायद से सिटाडेल की बात चल रही है, अप्रेज प्लेटफॉर्म। नहीं, ओवरऑल जो हड़प्पा का कोई भी स्ट्रक्चर है, कुछ भी मान लो आप,
सबसे पहले इसका मतलब क्या है, वो लोग ना प्रॉपर तरीके से ना ग्राउंड पे नहीं, एकदम से ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू नहीं करते थे, वो पहले ना ईंटें बिछाते थे हर जगह। जैसे ग्रेट बाद याद है, पहले पूरी जगह ईंटें बिछाई हैं, फिर उसको वाटर टाइट कर दिया गया, मोटार एंड टार और ये सब जो डालकर, जो भी था क्या कहते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब डालकर पूरा का पूरा वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटुमेन और इससे पूरा का पूरा वो कर दिया उन्होंने क्लोज। उसके बाद अपने आप यहाँ पर ये रूम्स बनते थे, याद है ये स्टेप्स जाते थे नॉर्थ और साउथ में। ये ऐसे हर एक स्ट्रक्चर जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो बनाया गया ना, वो एक एलिवेटेड ग्राउंड पे बनाया गया, यानी कि पहले वो लोग ईंटों से या प्रॉपर तरीके से बेस बनाते थे, उसके ऊपर कोई भी चीज़ बनती थी, फिर चाहे वो एक कोई घर हो या पूरी की पूरी सिटी हो। आगे इंडस सिविलाइजेशन, ये चीज़ मैंने बताई थी, शैली याद है ना, बहुत अभी कुछ टाइम पहले बताई थी एनसीईआरटी में कि इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिने चुने कुछ औजार मिले हैं, कुछ चाकू, कुछ डैगर, डैगर समझते हो ना, क्या कहते हैं उसको, खंजर हल्के फुल्के मिले। अब वो भी हम ये तो नहीं मान सकते कि आपस में लड़ने वड़ने के लिए बने होंगे, नहीं, क्योंकि रथ वगैरह में पूरे प्रॉपर नहीं मिले हैं, लड़ने वड़ने के लिए नहीं, वो एनिमल्स की स्किनिंग करने के लिए। स्किनिंग जानते हो कि जैसे मुझे खाल उतारनी है चीते की या शेर की, तो उसका मांस अलग अलग करके, बिल्कुल पैनी उससे, धार से अलग अलग करके, ताकि मैं उसका कुछ ओढ़ने का बना सकूँ। और यहाँ पर आर्मी का कोई एविडेंस ही नहीं है। और अगर बैटल ग्राउंड होता तो इसको देख लो, कहाँ गया है ये फोटो, ये इसको देख लो, ये स्पोक डिवीजन बना चुके होते, इस पे तो कभी भी वॉर लड़ा ही नहीं जा सकता, स्पोकलेस व्हील पे तो कभी भी बैटल लड़ा ही नहीं जा सकता, जब तक तो ये घोड़ा एक मूवमेंट लेगा तब तक तो तुम अल्लाह को प्यार हो चुके होगे, ठीक है। ये अपना स्टेटस कैसे डिस्प्लेट करते थे, मतलब हड़प्पा के लोगों को भी शौक था कि हम भी ना थोड़ा सा रहीसी में रहें, पॉश लाइफ बिताएं, कैसे, इनका स्टेटस सिंबल उस टाइम पे क्या था, करेंसी तो कोई थी नहीं, तो गारमेंट्स और प्रीशियस ज्वेलरी। अब प्रीशियस ज्वेलरी भी ना, मैं आपको बताऊंगा, इसको भी, इस लाइन को भी डिकोड करवाऊंगा थोड़े थोड़े महीनों बाद, कि प्रीशियस ज्वेलरी भी ना ऐसी थी कि स्टोन्स ना बहुत जगह से आते थे, जैसे मैं आपको एक दो नाम भी बता चुका हूँ, लैपिस लाजुली है ना, कार्ली लाइन, रेड स्टोन जो होता था यहाँ पर यूज़ होता था, तो ये सारे अलग अलग तरह के स्टोन से, गोल्ड है ना, आइवरी, ये अच्छे अच्छे ज्वेलरी यहाँ पर बनाते थे। और यहाँ पर सिविक सेंस जो थी इनका, सिविक सेंस मतलब समझते हो, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी बताना, लाइफस्टाइल बताना, एक सिविलियन लाइफस्टाइल बताना, इनको उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस नॉलेज थी, एडवांस नॉलेज थी कि भैया अगर, वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिविलाइजेशन में जब इनके लिंक्स बहुत सारी जगह से हो गए थे ना, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट वगैरह, यहाँ पर सिंदूर का कंसेप्ट, वर्मिलियन जिसको कहते हैं, लूफा का कंसेप्ट, लूफा कैसे, एक स्किन की, एनिमल की खाल की स्किनिंग कर दी, मान लो जैसे चीता वगैरह की खाल है, दिखाता हूँ, इसकी पहले बना देता हूँ मैं, टाइगर की खाल कुछ ऐसी ही दिखेगी ना, इसके अंदर एक गोला सा बनाकर, सॉफ्ट होती है टाइगर की स्किन काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर एक गोला सा बनाकर इसके अंदर फ्लैश भर दो या कुछ भी भर दो, मतलब मांस भर दो, और फिर इसको ना बैलून की तरह इसको बांध दिया रस्सी से, ये बन गया लूफा। अब इसको स्किन से रगड़ रगड़ के, मतलब इसको यूज़ करके स्किन पर रगड़ रगड़ के नहाते थे लोग, ये भी कंसेप्ट है यहाँ पर, ये मैं पढ़ाऊँगा ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं बता दूँगा आपको, ये मतलब दो चार चीज़ें हमेशा ऐसे एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा जो यूपीएससी में कोई नहीं जानता, ठीक है, हाँ लेकिन उतना भी डीप नहीं बताऊंगा कि एग्जामिनर भी नहीं जानता पता चला, ठीक है, उतना जितना एग्जामिनर के पास वो सोर्सेज हो कि उसने पढ़ा हो, ठीक है। फिर ऑर्नामेंट्स, जेवरात वगैरह, ऑर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, दोनों मर्द और औरत पहनते थे इसे, अपने आप को वो सजाते संवारते थे विद नेकलेस, आर्मलेट्स, बेंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह, फिंगर रिंग्स, ईयर स्टड्स और एंकलेट्स। ऑर्नामेंट्स इनके किस किस के बने हुए थे, इसका एक चिट्ठा बना लेना, क्या कहते हैं इसको, मेटल्स यूज इन हड़प्पा, गोल्ड, सिल्वर, हाथी दांत आइवरी, शेल, कॉपर, टेराकोटा और प्रीशियस स्टोन।
आप कहोगे यहाँ पर सर ब्रॉन्ज क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ब्रॉन्ज नेचुरली अकरिंग मेटल नहीं होता, बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आप एक आइडिया तो और भी ले सकते हो ना, कॉपर यहाँ पर दे रखा है तो आपको इतना भी पता है कि इस चीज को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते थे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप इस चिट्ठे में, अभी जैसे आपके सामने आया नहीं है ये एनसीईआरटी में लेकिन हम पढ़ चुके हैं वैसे, ऑटोमेटिकली जब आपको पता है कि इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते थे तो ये चीज लिख दो, आप ब्रॉन्ज लिख दो। और यहाँ पर क्या मिसिंग है, ब्रॉन्ज कैसे बनेगा, कॉपर टिन मिसिंग है, लो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। और पत्थर वगैरह और क्या होते थे मैं और बता दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊंगा मैं आपको ना, एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, पहले आप इसका कॉमन रफ चिट्ठा बना लो, फिर मैं ना आपको कैटेगराइजेशन बताऊंगा। आपको ये मेटल तो बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, आप सोचो कि मैंने प्रिपेयर तो कर लिया है, लेकिन यूपीएससी पता चला ये सवाल पूछ दे कि हड़प्पा में कौन सा मेटल इनमें से इंपोर्ट होता था और कौन सा एक्सपोर्ट होता था, फिर क्या करोगे, आपको क्या पता, अभी तो आपको नॉलेज ही नहीं है ना कि इनमें से कौन सा, ये सारे नेचुरली अकरिंग अगर मैं बोल दूं कि इंडिया में नहीं मिलते थे, तो मैं अगर ये बोल दूं कि मुझे पता कि आइवरी यहाँ का नहीं था, वो तो बाहर से लाया जाता था, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, इसको नोट मत कर लेना इस बात को, एक तरीका बता रहा हूँ मैं कि लैपिस लाजुली यहाँ से नहीं आता था जैसे वो अफगानिस्तान से आता था, तो ये लिस्ट मैं आपको दूंगा, पहले आप रफ चिट्ठा बना लो, फिर धीरे धीरे करके एडवांस करते चलेंगे, एकदम से हर चीज़ अच्छी नहीं लगती डिस्कस करते हुए। अब सारे मेटल से ये लोग वाकिफ थे, सारे मेटल से ये लोग वाकिफ थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, आयरन वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस। देखो तमिलनाडु कितनी मतलब मेहनत करते हैं अपनी बुक्स में, देखो एनसीईआरटी की, देखो अलग से दे रखा उसको बॉक्स में, डॉटेड बॉक्स में। फिर एक फैक्ट और, इंडस के लोग ना रेड क्वार्ट्ज स्टोन का यूज करते थे, कार्नीलाइन रेड बीड की ज्वेलरी जैसे बनती थी, याद है हमने एनसीईआरटी में फोटो भी देखी थी इसकी। और एक और फैक्ट, कॉपर पहला मेटल था जो कि इंसानों के द्वारा डिस्कवर और यूज करा गया। तीसरा फैक्ट, ये ऐसी चीज है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स दे गई है और एक ही इतनी छोटे से पैराग्राफ में, ठीक है। अब हड़प्पा के लोगों को कौन गवर्न करता था, ये याद है, इसकी इतनी सी, इतना सा कटा हुआ इसका हमें बस्टेड वो मिला है, सिर्फ इतना बड़ा है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसको माना ऐसे जाता कि पूरा ऐसे होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये टूट गया फूट गया जो भी हो गया। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती होगी पक्का, क्योंकि टाउन प्लानिंग वगैरह सब लोग ना आपसी समझौते थे, कभी इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मान लो अगर हम सब लोगों को जो कि हम सब हैं फाउंडेशन कोर्स में लोग हैं, हम लोगों के पास कल को पैसा आ जाए और हम लोग एक सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं, हम हर किसी का आइडिया अलग होगा। जब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी ना हम लोग कंट्रोल करने वाली कि भैया जो वो बोले उसकी बात फाइनल होगी, अपने अपने हम लोगों को आइडियाज़ देने हैं, उनको बताने हैं। हम लोग कभी, क्योंकि हर किसी का मुंह फूल जाएगा, अमित कहेगा मैंने तो ऐसा कहा था कि यार ऊपर ना टावर बना दो इसके, आपने तो छत बना दी। अंकिता कहेगी मुझे बेडरूम के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए था, आपने बाहर बना दिया उसको बरांडे में जाकर। तो यहाँ पर कभी भी इतने अच्छे से प्लानिंग हो ही नहीं सकती सेंट्रल अथॉरिटी की, ये हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट है। अगर कल कोई आ जाए ना डिबेट एंड डिस्कस कि वेदर देयर एग्जिस्टेड अ सेंट्रल अथॉरिटी इन हड़प्पा एंड गिव प्रोमिनेंट रीजंस, तो ये पहले आप सपोर्ट में लिखना कि सेंट्रल अथॉरिटी होती होगी, क्योंकि टाउन्स की एक कंट्रोल्ड वे में प्लानिंग करना, भाई साहब व्यापार हो रहा है इंटरनेशनल, मेसोपोटामिया इजिप्ट, और मैंने कल तो एक बात भी डिकोड करवाई कि मेसोपोटामिया सिर्फ मेसोपोटामिया नहीं था, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, अकेडियन सिविलाइजेशन, ये सारे सब सिविलाइजेशन भी उसके लार्जर पार्ट, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं उसके पार्ट थे। तो भैया व्यापार करना याद है, वो बोरियों पे सीलिंग लगाना, सील्स लगाना, ये सब कुछ आपस में लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट जहाँ का आ रहा था, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट जो आता होगा ट्रेड करने का, तो एक ही पर्पस होता है कि दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है उससे, ये प्रॉफिट जाता किसके पास होगा। तो भैया ये इसके रीजन है कि सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती होगी। ड्रेनेज की मेंटेनेंस करना, क्योंकि जैसे हमारे ब्लॉक होते हैं, आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट होता है, या फिर आपकी कॉलोनी में कोई प्रधान है, या फिर कोई एमएलए वगैरह है, जो इलेक्शंस आ रहे होते हैं, तो भैया नालियाँ वगैरह जब ये भर जाती है कोई तो आता है ना साफ करने। अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो सब लोग, तो सब लोग ये सोचेंगे भैया नाली साफ करवाने का मतलब है पैसा देना, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि वो 40 घर पैसा नहीं दे रहे, मैं नालियाँ साफ करवाऊँ मजे सब करें, क्यों भाई मैं तो नहीं दे रहा, सब लोग दो तब मैं मानूँ। तो कभी कॉमन डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता। और सिटी के अंदर इतना पीस मेंटेन करना, ये बिना सेंट्रल अथॉरिटी के हो नहीं सकता। लेकिन फिर आप एक बात बोलना कि सेंट्रल अथॉरिटी के ना एक कन्फर्मिटी के साथ हम नहीं कह सकते। अब फिर इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स देखना कि सेंट्रल अथॉरिटी अगर यहाँ पर होती तो यहाँ पर
हमें कुछ ऐसी जगह कोई भी एक पर्टिकुलर साइट नहीं मिली है कि जहाँ पर सब कुछ ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह मिली हो, कि गोल्ड सिर्फ इधर ही मिल रहा है, सिल्वर की ज्वेलरी सिर्फ इधर ही मिल रही है, कॉपर वेसल सिर्फ इधर ही मिल रहे हैं। ये हर जगह फैले हुए थे। सिटेडल के अंदर भी जितने अवशेष मिले हैं, एक्सकवेटेड मटीरियल्स मिले हैं, तो वहाँ पर यह माना जाता है कि सिटेडल अप्रेज प्लेटफॉर्म और कम पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी या फिर राजा महाराजा रहते होंगे, मतलब जो भी कंट्रोल करते थे। लेकिन वहाँ पर भी जो एक्सकवेटेड मटीरियल्स मिले हैं वो लोअर टाउन में भी मिले हैं। और जैसे याद है मैंने आपको एक बार बात बताई थी एनसीईआरटी के अंदर, धौलावीरा एक इकलौती ऐसी जगह है, बाकी सारी सिटीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड थी ना, सिटेडल और लोअर टाउन, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, याद है हमने पढ़ा था इसको। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। मेन जो ऑक्यूपेशन था इंडस के लोगों का वो नोन नहीं है। मेन ऑक्यूपेशन तो कुछ नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो 2500 साइट पे तितर बितर होकर पड़ी हैं, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि भैया बीड्स मिल रही हैं, मेटल्स मिल रहे हैं, टॉयज मिल रहे हैं, अनाज की बोरियां मिली हैं, ग्रीनरी मिली है पूरी की पूरी, स्टैचूज मिले हैं, सील्स मिली हैं इसके बेस। और ये धौलावीरा में जैसे ये जो बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड है वो मिला है, डॉकयार्ड वगैरह के वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, शिप वगैरह, ये सब हमें ऑटोमेटिकली बता देते हैं। चीज़ें मिलना मतलब प्रोफेशन की हिंट लग जाना। ये लोग प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाना, पॉटरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री और ट्रेडिंग, ये लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, यहाँ पर मर्चेंट्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे और आर्टिसंस हुआ करते थे, व्यापारी, कारीगर। ठीक है, और कैटल रेयरिंग एक अनदर ऑक्यूपेशन था, पशुपालन वगैरह। उस ज़माने के जो लोग थे वो जानते थे कि पॉटर्स व्हील यूज कैसे करना है। ठीक है, अब पॉटर्स व्हील दो काम से आता था, या तो व्हील बनाने के काम, या पॉटरी बनाने के काम, या कोई वेसल वगैरह बनानी है तो। ठीक है, और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी चराने वगैरह लेकर जाते थे, घुमाने वगैरह। ठीक है, पॉटरी पॉटर्स व्हील पे बनाई जाती थी, क्योंकि बिना उसकी इतनी परफेक्ट इसकी एजेस हो नहीं सकती जैसा कि हमें दिखती हैं, बिना उसके इतनी परफेक्ट एजेस हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छे से गरम करा जाता था उसको, रेड होती थी कलर में, ये चीज़ ये हमें बताता है कि देवर बेक्ड पॉटरी, और ब्यूटीफुल डिजाइन इस पर बनाए जाते थे ब्लैक से, तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं रेडवेयर एंड ब्लैकवेयर पॉटरी कल्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। हमें यहाँ पर ब्रोकन पीसेस भी मिले हैं पॉटरी के, जिसपे हमें एनिमल फिगर्स और ज्योमेट्रिक डिजाइंस मिली हैं, तो यहाँ पर ये लोग अच्छे से डिज़ाइन वगैरह करते थे, ये चीज़ शो करता है। और यहाँ पर ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉटरी का मतलब है, मैंने आपको टर्म बताई थी, शर्ट्स, याद है शर्ट्स, कुछ रह तो नहीं क्या। रिलीजियस बिलीफ, हम प्रिसाइज वे में तो नहीं कह सकते कि ये इस पर्टिकुलर देवी देवता को मानते होंगे या फिर ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमें कुछ कुछ टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं, जैसे मदर गॉडेस की, जो कि सिंबलाइज करती हैं फर्टिलिटी को, तो ये हमें और ये हमें एक नहीं काफ़ी सारी फीमेल फिगरीन्स मिली हैं, तो ये हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, आगे दे रखिए, नहीं नहीं एक चीज़ मिसिंग है, प्रोटो शिवा की सील। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि देवर नेचर वर्शिपर ऑल्सो, पांचों तत्वों को मानते थे, अग्नि, पानी, ठंडर वगैरह, डर भी जाते थे कभी कभार, लाइटनिंग वगैरह होती थी, और प्रोटो शिवा, और ये जो है ना मदर गॉडेस जो कि फर्टिलिटी को सिंबलाइज कर रही हैं, यही आगे चलकर बनती हैं जब ज़माना आगे बीतता है वैदिक और लेटर वैदिक एज में, पार्वती करू। टॉय कल्चर, टॉयज यहाँ पर जैसे कार्ड्स, गाय वगैरह, जैसे मैंने कल बात करी थी इसके बारे में कि मूवेबल हेड्स और लिम्स, क्ले बॉल्स, छोटी छोटी गुड़ियाँ गुड्डे, स्मॉल क्ले मंकी, टेराकोटा स्क्वेरल, क्ले डॉग्स, मेल डांसर। अब इसके बेसिस पे हम पता है, अगर एनिमल्स की लिस्ट अगर आपको बनानी हो ना, तो आप ये बना सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या क्या मिलता होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकना, बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनिमल्स की लिस्टिंग की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे, तो एक तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बर्ड्स मिलती थी
बताओ, हरप्पा में बर्ड्स मिलती थी? मंकी, स्क्वेरल्स, घड़ियाल, फिश, डॉग, कैट, हॉर्स, बुल, एलिफेंट, टाइगर, टर्टल एंड टॉर्टोइस, ऑक्स, ऑक्सिन, ठीक ना? तो ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब जैसे टर्टल एंड टॉर्टोइस का कॉमन सेंस पता क्या है यार? देखो, इसका कॉमन सेंस ये बोलता है यार, ये सिविलाइजेशन का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर ये फिश और घड़ियाल देखते थे तो कभी टॉर्टोइस नहीं देखे होंगे क्या? कभी टॉर्टोइस नहीं देखे होंगे क्या इन्होंने? जिस नदी के किनारे ये लोग मछलियाँ वो मार रहे हैं, घड़ियाल मार रहे हैं, खा रहे हैं उसको, तो ये उसको नहीं देखते होंगे क्या? अच्छा मुझे एक बात बताना, पिकॉक से फैमिलियर थे ये लोग? पिकॉक से फैमिलियर थे ये लोग हैं? हाँ कि ना? नहीं? अंकिता, मयूर, गैस ना, याद है मैंने बताया था एक इसको हज बर्ड, याद है कंसेप्ट? हाँ, के बोर्ड के उधर वो बैठी हुई है कई लोगों के मानना, और बाद में इसी के बेसिस पर ये राष्ट्रीय पक्षी रखा गया, बताया था ना कुछ महीनों पहले, कुछ टाइम पहले अभी ये। तो ये लिस्टिंग आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर मैं लेकिन ऐसी बातें करूँ, अब देखना, जैसे अगर मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पर डायनासोर मिलते थे, यहाँ पर जिराफ मिलते थे, यहाँ कैंगरू मिलता था, तो बताओ ये क्या लॉजिक है? बताओ, ये मिलते थे इनमें से कुछ भी? डायनासोर मिलता होगा प्रिया यहाँ पर? सर बताओ, कसम लगे आज तुम्हें। हाँ, कब का एक्सीडेंट हो गया? ऑब्वियस सी बात है। हाँ, इसलिए है ना। उसके बाद अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, सबसे पहले जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग जो डेवलप हुई थी वो सुमेरियन से डेवलप करी थी, ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर सुमेरियन ना आए ना पेपर के अंदर, अब सुमेरियन सिविलाइजेशन को तो जानते हैं कि सुमेरियन किसका सिविलाइजेशन? बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, मैं सब उठा गया। सबसे पहले वर्ड मेलुआ किसने यूज करा? राजा का नाम नरम सिंह। कौन कह रहा है सिर्फ नरम? अच्छा, तो नरम नरम बातें करोगे। अच्छा, वो अभी आगे आएगा, है ना? वो तो मैंने क्लास खत्म होने से पहले दिखाया था। कोई नहीं, अभी आगे पढ़ाता हूँ। वो हो चुका है क्या? हो गया मेरे ख्याल से। एक मिल नहीं रहा, कहाँ गया? अच्छा, ये रहा ठीक है। नरम सेन ऑफ एकेडियन एम्पायर, जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन का पार्ट था, और सुमेरियन सिविलाइजेशन लार्जर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का पार्ट था। इसने पहले मेंशन करा था कि मैं यहाँ से ज्वेलरी खरीदता था। आगे हरप्पन्स के साथ क्या हुआ? ये जो है ना उसकी क्या कहते हैं उसको, थ्योरी के अलग अलग थ्योरीज अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब करी जाती है कि हरप्पा के डिक्लाइन होने का, डिक्लाइन होने का रीज़न क्या था? एक बात मैं बता दूं, आगे जाके सीखोगे,
हरप्पा के भी ना तीन फेज थे, जैसे एक अर्ली फेज जहाँ पर ना ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है मैच्योर फेज में, और फिर एक आता है लेटर फेज। ये जो लेटर फेज होता है ना ये डिक्लाइनिंग फेज माना जाता है। वो याद है एनसीईआरटी में जाते जाते हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये कैसे भी फिर सड़कें बनाने लग गए थे, घर बीचों बीच सड़क पे खड़े हुए थे, कूड़ा कचरा जमा होता जा रहा था, वैसा नहीं रह गया था हरप्पा, है ना। ये वही वाली बात है, 1900 BC में हरप्पन कल्चर स्टार्टेड डिक्लाइन, और इसके लिए बड़ी सारी अजम्पशंस हैं कि या तो बाढ़ आती होगी, इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, इन्वेजन हुआ, ये प्रोमिनेंट थ्योरी मानी जाती है, आर एन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं इसको, नेचुरल क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन या फिर कोई एपिडेमिक। आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदड़ो पे जो मिली है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ, मतलब मोहनजोदड़ो खुद एक साइट, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और किसी को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2016 में यूनेस्को का UPSC मैकब्रेड कमीशन पूछ लेगा, जो कि रिलेटेड है प्रेस फ्रीडम से। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, ये एक स्टैंडर्ड टूल होता है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा यूज करा जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं C14 मेथड। रेडियो कार्बन मेथड यूज करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन को, जिसको हम लोग कार्बन 14 कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की एज डिटरमाइन करने के लिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कुछ क्लासेस पहले, जैसे ये पर्सन, हर एक पर्सन के अंदर क्या होता है, जब तक वो जीरा होता है ना तो कार्बन्स होते हैं उसके अंदर, बनते रहते हैं, होते रहते हैं, बॉडी के अंदर आते रहते हैं। जब वो डेड हो जाता है ना उसके कार्बन हो गए ब्लॉक, यानी कि अब जितने हैं उतने रह गए। अब इसके बेसिस पर ये पता लगा दिया जाता है कि हर एक कार्बन का ना एक होता है पैरामीटर होता है, जैसे अगर किसी की बॉडी में 40 से, एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ मैं, 40 से 400 कार्बन हैं अगर, तो ऐसा माना जाता है कि उसका एक पैरामीटर है कि ये पक्का बंदा 30 से 35 साल का होगा, 400 से 600 हैं तो 40 से 45 साल का होगा, ऐसे करके ये देखा जाता है उसको, ये ऐसा समझ जाओ बस। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है, हर एक चीज़ के अंदर, पृथ्वी की हर एक चीज़ के अंदर कार्बन मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये चीज़ सबको पता है, लकड़ी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान की शरीर, सब में कार्बन है, पता है ये चीज़ सबको, है ना। तो बस ये चीज़ जब इंटैक्ट रहती है तभी ये पता लगाया जाता है। और मुझे तुम साइंस वालों से डर लगता है ना, बायो वालों से, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ऐसे कहने लग जाओ, तो मैं इसलिए पहले ही पढ़कर बैठता हूँ। जर्नल फैक्ट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज अमंग द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द 4 सिविलाइजेशन, ये देखो ये वाली बात याद रखना, लार्जेस्ट और अब तो ओल्डेस्ट भी है IIT खड़गपुर की स्टडी के बाद, ठीक है, ओल्डेस्ट एंड यहाँ पर क्योंकि ये लिखा हो ना, इट इज़ अमंग द ओल्डेस्ट, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, वन ऑफ द नहीं, ओल्डेस्ट ही है और लार्जेस्ट भी है चारों में से। चारों कौन कौन से, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन और चाइनीज। वर्ल्ड की सबसे पहले प्लैंड सिटीज इस सिविलाइजेशन में फाउंड करी गई थी। सैनिटेशन और ड्रेनेज की नॉलेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस में थी, और यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के बारे में अवेयरनेस थी, ठीक है। तमिलनाडु की NCERT को ना पूरा का पूरा पढ़ा करो, जब एक चैप्टर होता है ना तो उसके फर्स्ट डायग्राम से लेकर, फर्स्ट शब्द से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ा करो। अब देखो जैसे, अब आप कहोगे समरी तो लिखी हुई है, ये हम पढ़ चुके हैं, रिवर वैली के आस पर्टिकुलर वो हुआ था, अर्बन था, सिटीज़ के बारे में, लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स काफ़ी थी, ग्रेट बात के बारे में, लेकिन अब अगला पॉइंट इसका देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई ये कहे ना कि मोटा मोटी हमें बता दो, रफली बता दो कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो था ना वो चारों दिशाओं में कैसे फैल रखा था, जैसे हम जानते हैं कि ये जैसे मतलब मान लो ये इंडिया, ठीक है, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो नॉर्थ वेस्ट कुछ इतना ऐसे पार्ट में था, बस यहां पर फैल रखा था, ठीक है, थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया और कवर कर लो ऐसे, इतना था। लेकिन जैसे ये इतना भी था, अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, इसको मैं जूम कर दूं, तो इतने वाले पार्ट में से भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिशा कौन सी है इसकी, देखो सबसे पहले बात करते हैं
वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्टर्न साइड पे मकरान कोस तक, ईस्टर्न साइड पे घग्गर हागरा रिवर वैली तक, नॉर्थ ईस्ट पे, इनको नॉर्थ वेस्ट लिखना चाहिए था हल्का सा, अफगानिस्तान, नॉर्थ मान लो अफगानिस्तान, साउथ में थोड़ा सा। अब ये पता है क्यों, ये पता है क्यों, आप कहोगे बता दो अभी पहले महाराष्ट्र तक, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने आपको बोला हम सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके हिसाब से ये चार फंडे याद रखना, ठीक है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसको और रिफाइन करेंगे, ये अभी मैंने क्या बोला छूटते ही, मैंने क्या बोला मोटा मोटी अगर हमसे कोई पूछे कि रफली बता दो, मैं इसको और रिफाइन करके आपको बताऊंगा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जिसको किंग कुफू ने बिल्ड करवाया 2500 बीसी में, ये लाइमस्टोन पत्थरों से बिल्ड है, एक एक पत्थर 15-15 टन का है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इजिप्ट के अंदर। पिरामिड्स किसके स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली, ब्यूरियल्स के, ठीक है, मतलब हाँ वही डेड बॉडीज रखी जाती है। मेसोपोटामिया का फेमस स्ट्रक्चर सुमेरियन पीरियड का, उर जिगरट, ये याद रखना, ये आ सकता है कि उर जिगरट कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग है हिस्ट्री के अंदर, इसको किंग उर नमू ने बनवाया था, किसको रिस्पेक्ट देने के लिए, मून गॉड सिन को रिस्पेक्ट देने के लिए। फिर इजिप्ट के अंदर ही किन रामीसेस टू द्वितीय के द्वारा एक अबू सिबल साइट बनवाई गई थी, यहाँ पर दो ये मंदिर हैं, ठीक है, जिसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे तीनों स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में। तो ये चीज़ हो गई, क्वेश्चंस देख लेना आप लोग, कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ।